सो नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स. सो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स में वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ यूरेनियम ही है जो कि लास्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है. यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी कि आफ्टर एटॉमिक नंबर 92 जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल आर आर्टिफिशियल मैन मेड एलिमेंट्स. सो व्हाट आर ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स? ट्रांस का मतलब बाद में. तो यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं, दे ऑल आर मैन मेड आर्टिफिशियल एलिमेंट्स एंड दे आर नोन एज ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट. उसके बाद जितने भी ये ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स हैं, ये सभी रेडियो एक्टिव हैं एंड हैंस दे आर वेरी शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज. अब नेक्स्ट टॉपिक है, इसका पार्ट है कि हम इनकी सिंथेसिस कैसे कर सकते हैं. तो सिंथेसिस में वी नीड टू रिमेंबर कि हमने कुछ एलिमेंट्स की बम्बार्डमेंट करनी है, ईदर विद न्यूट्रॉन्स और विद अल्फा पार्टिकल्स और विद अदर पार्टिकल्स. तो क्या होएगा? फॉर एग्जांपल, लेट्स से हमने नेपच्यूनियम को प्रिपेयर करना है. तो यूरेनियम 92 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या आता है? नेपच्यूनियम. तो इसके लिए सबसे पहले हमें यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप चाहिए? 238. हम उसको क्या करेंगे? न्यूट्रॉन के साथ बम्बार्डमेंट करेंगे. तो 238 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 239 में. साथ में गामा रेज एमिट होंगे. नाउ दिस यूरेनियम 239, ये इसकी फिजन हो जाएगी, टूट जाएगा. किस में? ये कन्वर्ट होएगा. यहाँ पे निकल रही है, यहाँ पे आपको निकल रहा है बीटा पार्टिकल. सो जब भी बीटा पार्टिकल की एमिशन होती है तो जो एलिमेंट निकलता है दैट इज ऑलवेज वन एटॉमिक नंबर हायर देन द प्रीवियस. तो यूरेनियम इज कन्वर्टेड इनटू नेपच्यूनियम. नेक्स्ट, अगर हमने प्लूटोनियम का यूज करना है तो नेपच्यूनियम क्या है, इसमें से क्या करेंगे? इट विल एमिट अ बीटा पार्टिकल. तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लूटोनियम में. नेक्स्ट, लेट्स से अब हमने सिंथेसाइज करना है अमरीशियम को. तो अमरीशियम के लिए हम क्या यूज करेंगे? देर आर टू आइसोटोप्स ऑफ प्लूटोनियम. वन इज 239 एंड अदर इज 241. तो 241 हम कैसे बनाते हैं? यूरेनियम 238 को बम्बार्ड करेंगे विद अल्फा पार्टिकल. तो ये एक प्लूटोनियम 241 बनेगा, साथ में न्यूट्रॉन जो है रिलीज होएगा. अब क्या है, इसकी आगे बम्बार्डमेंट होगी. तो जो ये 241 है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बाय मीटिंग बीटा पार्टिकल इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अमरीशियम. उसके बाद आते हैं 95 के बाद 96, विच इज क्यूरियम. तो क्यूरियम के लिए क्या है, प्लूटोनियम 239 आइसोटोप के साथ हम बम्बार्डमेंट करेंगे अल्फा पार्टिकल की. तो 239 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्यूरियम में. नेक्स्ट, अगर हमने बर्किलियम को बनाना है तो जो अमरीशियम है इसके साथ हम किसको बम्बार्ड करेंगे? अल्फा पार्टिकल को. तो ये बन जाएगा बर्किलियम 243. और बर्किलियम बनाने का अनदर वेज, यहाँ पे दो वेज हैं. एक में क्या है कि दो न्यूट्रॉन रिलीज हुए हैं. सो सबसे पहले देखते हैं किस साइंटिस्ट ने बनाया था. इट वॉज सिंथेसाइज बाय सीबर्ग एंड हिज को वर्कर बाय बम्बार्डमेंट ऑफ अमरीशियम 241 विद अल्फा पार्टिकल्स विच आर वेरी हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल. तो जैसे ये बम्बार्डमेंट हुई, 95 + 2 = 97 बर्किलियम, साथ में अगेन 241 + 4 = 243 + 1 = 244. तो ये बन गया हमारा बर्किलियम. अब यहाँ पे इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये भी बर्किलियम है, ये भी बर्किलियम है. दीज आर द टू आइसोटोप्स ऑफ बर्किलियम. दोनों में बम्बार्डमेंट, यानी कि जो हमने यूज किया है अमरीशियम, वो 241 है, अल्फा पार्टिकल है. इसमें कोई भी और पार्टिकुलर रिलीज नहीं होता, जबकि यहाँ पे न्यूट्रॉन्स साथ में बन रहे हैं. नेक्स्ट आते हैं कैलिफोर्नियम की तरफ. अब यहाँ पे भी सेम स्टोरी है, कैलिफोर्नियम के दो दो आइसोटोप्स हैं. सिंथेसिस के वेज दोनों में सेम है, यानी कि हमने क्यूरियम लिया है, हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल के साथ बम्बार्डमेंट की है. क्या बन रहा है? कैलिफोर्नियम. यहाँ पे गामा रेस रिलीज हो रही है, यहाँ पे दो न्यूट्रॉन्स. नेक्स्ट आते हैं प्रेपरेशन ऑफ आइंस्टीनियम. तो आइंस्टीनियम के केस में क्या है, ये हमने लिया है कैलिफोर्नियम. अगेन अलग अलग आइसोटोप है, ये है 250 1 2. तो इसमें एक्चुअली बेसिकली ये जो आपको स्टेप शो कर रहा है वो क्या है कि वी विल स्टार्ट विद कैलिफोर्नियम 250. हमने इसके साथ न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की तो ये इसका मास नंबर इंक्रीज हो गया. 250 किस में कन्वर्ट हो गया? 251 में. फिर न्यूट्रॉन के साथ बम्बार्डमेंट हुई 252, साथ में गामा पार्टिकल निकल रहा है. फिर 252 253. तो ये तीन स्टेप्स के ओवरऑल आउटपुट क्या है, दैट वी हैव कन्वर्टेड कैलिफोर्नियम का जो आइसोटोप 250 है उसको हमने किस में कन्वर्ट किया? 253 में.
अब जैसे ही कैलिफोर्नियम 98-53 में कन्वर्ट होएगा, इट विल एमिट, एक तो इसमें निकलेगा बीटा पार्टिकल, यानी कि जो नेक्स्ट एटॉमिक एटम बनेगा दैट विल बी वन एटॉमिक नंबर अप एज कम्पेयर टू कैलिफोर्नियम। तो ये बन गया आइंस्टीनियम। एक तो हो गया ये मेथड। दूसरा मेथड है यूरेनियम से बना सकते हैं, यहाँ पे हमने नाइट्रोजन लिया है तो आइंस्टीनियम साथ में न्यूट्रॉन बन रहा है। उसके बाद है प्रेपरेशन ऑफ फर्मियम। फर्मियम के लिए हमने क्या किया, हमने आइंस्टीनियम का ये ऊपर वाला आइसोटोप चूज किया बम्बार्डमेंट की विद न्यूट्रॉन, तो ये बन गया आइंस्टीनियम। अभी क्या हुआ 53+1, ये इसका नेक्स्ट आइसोटोप बन गया 254। नाउ आइंस्टीनियम 254 इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फर्मियम 254 प्लस क्या रिलीज होएगा, अगेन दिस इज द बीटा पार्टिकल, इसलिए एटॉमिक नंबर एक स्टेप हायर हो गया। आगे आते हैं मेंडेलियम, तो इसमें हम किसको यूज करेंगे आइंस्टीनियम, कौन सा आइसोटोप 253 वाला, किसको बम्बार्ड करेंगे अल्फा पार्टिकल को, मेंडेलियम बना, साथ में क्या बना न्यूट्रॉन। नेक्स्ट इज नोबेलियम, तो नोबेलियम के लिए हमने क्या चूज किया, वी टुक क्यूरियम 96-246, इसमें किसके साथ बम्बार्ड किया विद स्ट्रिप्ड कार्बन 612, तो क्या बन गया नोबेलियम, साथ में बन गया न्यूट्रॉन। उसके बाद लॉरेंशियम, लॉरेंशियम के लिए वी हैव सेलेक्टेड कैलिफोर्नियम 98-250, किसके साथ बम्बार्ड किया स्ट्रिप्ड बोरोन, तो ये बन गया लॉरेंशियम प्लस चार पार्टिकल्स आ गए न्यूट्रॉन के। नेक्स्ट पेज पे है जी इसकी समरी। सो समरी में अगेन यू कैन सी इधर वी आर यूजिंग स्ट्रिप्ड कार्बन बोरोन अल्फा पार्टिकल न्यूट्रॉन, स्ट्रिप्ड नाइट्रोजन एंड यहाँ पे है न्यूट्रॉन। ये जो पीछे हमने पूरा टॉपिक किया ये इसकी समरी है। इसी के साथ हम लेते हैं वाटर लेटर एक्टिनाइड। सो जो एलिमेंट्स क्यूरियम के बाद आ रहे हैं दैट इज क्यूरियम, बर्किलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलियम, नोबेलियम, लॉरेंशियम, इन सबको हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज लेटर एक्टिनाइड्स।